रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहन थाल सजाकर भाई की आरती करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उनका भाई स्वस्थ और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत मां लक्ष्मी ने की थी। क्या आपको पता है रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि जब अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे तो उस समय भगवान श्री विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार का रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। उस समय राजा बलि ने बिना सोचे भगवान विष्णु को 3 पग धरती दान का वचन दे दिया। देखते देखते भगवान विष्णु ने अपने छोटे से पांव से 2 पग में आकाश और पाताल को नाप लिया। 3रा पग के लिए राजा बलि के पास कोई जगह नहीं थी और राजा बलि ये भी समझ चुके थे कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए 3रा पग के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर राजा बलि ने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, हे प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें, मेरे साथ पाताल में चल के रहें। भगवान को भी अपनी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ छोड़ के पाताल लोक चले गए। अब भगवान विष्णु को पाताल लोक में चले जाने से माता लक्ष्मी को बहुत ही चिंता होने लगी। माता लक्ष्मी की चिंता को देखकर देवर्षि नारद ने माता को एक सुझाव दिया कि वह राजा बलि को अपना भाई बना ले। ऐसा करने से उनके स्वामी वापस उनके पास आ जाएंगे। नारद मुनि की बात सुनके माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके रोते हुए पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, इसी वजह से मैं बहुत ही दुखी हूँ। ये सुनके राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, तुम मेरी बहन बन जाओ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार संसार में प्रचलित हो गया। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठ उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। उंगली कटने की वजह से रक्त की धारा बहने लगी थी। उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ के उस टुकड़े को भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। उसके बाद से ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण में निर्वस्त्र होने से भी बचाया था। और ऐसी मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए।